नमस्कार, इंडिया 24 7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। पहले वहां की जनता पर 170 अरब का टैक्स है और अब दवाओं के दाम बढ़ने की तैयारी है। दरअसल डॉलर 271 रुपए पार कर गया है। वह कटोरा लेकर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने पाकिस्तान हाथ फैला रहा है, जहां से उसे फौरी तौर पर कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद भी वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि आईएमएफ से बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने ऐलान किया कि लोन लेने के लिए मिनी बजट के जरिए टैक्स लगाया और यह 17,000 करोड़ रुपए का होगा। यानी अब सरकार का खजाना भरने के लिए पाकिस्तान टैक्स लगाकर जनता का खून चूसेगी। आर्थिक संकट इस कदर बढ़ा हुआ है कि पेट भरने के लिए हिंसक घटनाएं तक हुई। चिकन के दाम 300 पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 700 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए। प्याज 215 रुपए, गेहूं का आटा 160 रुपए, तेल 480 से 488 रुपए, चावल 145 रुपए किलो, बीन्स 159 रुपए किलो, टमाटर 122 रुपए, अंडे 400 रुपए, मटन 1100 रुपए किलो और देसी घी की कीमत 1800 से 2500 रुपए तक हो गई है। सरकार के नए टैक्स के बाद इन सब चीजों के दाम फिर से बढ़ गए। मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पुष्टि की कि सरकार को आईएमएफ से आर्थिक और वित्तीय नीतियों के ज्ञापन यानी आईईएमपी का मसौदा मिला है। पीएमएलएन के वरिष्ठ नेता ने कहा कि आईएमएफ के साथ 10 दिन चली चर्चा में बिजली, गैस सेक्टर, राजकोषीय और मौद्रिक पक्ष को व्यापक रूप से शामिल किया गया था। उन्होंने कहा कि 17,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए जाएंगे और लोन लेने के लिए एनर्जी सेक्टर में सुधार लागू किए जाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा कि सरकार सब्सिडी कम करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि आईएमएफ की ओर से सुझाए गए कुछ सुधार पाकिस्तान के पक्ष में है। सरकार पावर और गैस सेक्टर में सर्कुलर घाटे को रोकेगी। इससे पहले कहा गया कि पाकिस्तान और आईएमएफ की बाहरी वित्त पोषण अनुमानों और सटीक घरेलू राजकोषीय उपायों पर बात नहीं बनी। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार को साल 2019 में आईएमएफ ने 6 करोड़ डॉलर का कर्ज दिया था, जिसे पिछले साल बढ़ाया गया और 7 अरब डॉलर किया गया। लगातार बढ़ रहे आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब अपनी आवाम के खून पसीने की कमाई की अंतिम बूंद को भी निचोड़ने का फैसला कर लिया है। आईएमएफ की शर्तों के आगे घुटने टेक चुकी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार ने एक दिन पहले ही 170 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की घोषणा कर दी। वहीं पाकिस्तान के एक अखबार के मुताबिक सरकार ने अब 150 जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाने का मन बना लिया है। यानी पहले से आर्थिक तंगी से जूझ रही जनता का खून एक बार फिर पाकिस्तान सरकार चूसने की तैयारी में है। अब दवाइयों के दाम बढ़ाकर जनता से टैक्स वसूलने की तैयारी कर रही है। शहबाज शरीफ की कंगाल हो चुकी सरकार अपने खाली खजाने को भरने के लिए जल्द ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को 7 अरब डॉलर के कर्ज के लिए आईएमएफ से नियमों और शर्तों पर एक मसौदा मिला। नकदी की कमी के संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए ये कर्ज मिलना बहुत जरूरी है। आईएमएफ एक टीम ने 31 जनवरी से 9 फरवरी तक इस्लामाबाद का दौरा किया, जिसमें उससे दिए जाने वाले कर्ज की शर्तों को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान सरकार को आईएमएफ की शर्तों को मानने के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं बचा है। पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा 3 अरब अमेरिकी डॉलर के नीचे गिर गया है। आर्थिक संकट से बचाने के लिए पाकिस्तान को आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की सख्त जरूरत है। अगर सब कुछ तय शर्तों के हिसाब से हुआ तो पाकिस्तान को अगली किस्त के रूप में 1.2 अरब डॉलर मिलेंगे। आईएमएफ की शर्तों पर पाकिस्तान सरकार की सहमति के बाद वित्त मंत्री डार ने कहा कि देश में 170 अरब रुपए का टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि टैक्स का सीधा बोझ आम जनता पर ना पड़े, लेकिन दवाइयों की जो कीमतें बढ़ेंगी उससे आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ेगा। आईएमएफ की शर्त के तहत पाकिस्तान की सरकार ने बिजली और गैस पर सब्सिडी को एकदम खत्म करना भी मंजूर कर लिया है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की आम जनता को आने वाले वक्त में और महंगाई को झेलना होगा और ये सब करके पाकिस्तान आम जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ डालने जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए इंडिया 24।